अब जो सूर्य है बेटा, वो जो सूर्य सन ठीक है, इसकी इनर लेयर, इसकी आंतरिक लेयर, इनर लेयर मैडम स्वाति मैम से मिला है, इसकी इनर लेयर यानी केंद्र कोर, कोर ठीक है, इधर नहीं इधर आगे बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा पीछे लड़के को आगे बैठने दो है ना, लड़के को आगे पीछे इधर आके बैठो, अपनों पीछे बैठो, बैग उधर रख लो बिटिया। अच्छा प्रियंका बैठी है तो एक इधर बैठ जाओ फिर, तो कल हमने सन के बारे में पढ़ा था, सूर्य ठीक है, आप प्लीज राइट टाइम आया करो, 10 मिनट भी लेट नहीं आया करो, भले ही 15 मिनट पहले आ जाया करो, समझ में आ रहा है। सूर्य के बारे में पढ़ा था, केंद्र के बारे में, तो ये हमारा केंद्र होता है, आज हम सो खत्म कर देंगे, 3 क्वेश्चंस इसमें से एमपीपीएससी में आए हैं ओके। एक हमारा बीच की कौन सी है, विकिरण मेखला, रेडियो टिप चौन, एक हमारी सबसे ऊपरी कौन सी है, संवहनीय मेखला, कन्वेक्टिव जोन ठीक है। कल हमने इन लेयर के बारे में जाना था ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं, आज भी हम दस सन कर रहे हैं, मैं बड़ा टाइम पे आया करो प्लीज, 5-10 मिनट पहले आ जाया करो। अच्छा संवहनीय मेखला, विकिरण मेखला, ये केंद्र कोर, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लक्ष्य ये है प्रीलिम्स में 90 आउट ऑफ 100, ना कि भगवान भरोसे बैठना 75 76 68 राम 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 हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, तो तुम्हारा जब तक रिजल्ट नहीं आता ना प्रीलिम्स का, वो समय भी खराब हो जाता है, 2 महीने बर्बाद, तो प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मिलता है 1 महीना, तो इसलिए इस लेवल पे पढ़ना है, तो हमें और डीप जितना कुछ हो, इसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में और आए हैं, इसलिए आज ही खत्म हो जाएगा ठीक है, थोड़ा दिमाग से पढ़ना ओके बेटा। आप थोड़ा आप दोनों उधर बैठ जाओ, फिर उस जगह पे बैठ जाओ, यहाँ पे स्मेल आते हुए इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप उस जगह पे बैठ सकते हो उधर सामने बिल्कुल स्ट्रेट, यानी चेयर के पीछे खाली कर दे करो इमरजेंसी के लिए ठीक है। संवनीय मेखला, आज हम बात कर रहे हैं सरफेस ऑफ सन, सूर्य का सरफेस, धरातल और वायुमंडल एंड एटमॉस्फेयर आल्सो, एटमॉस्फेयर आल्सो ठीक है। अब सरफेस मतलब थर्ड लेयर यानी कन्वेक्टिव जोन, ऊपर की लेयर ही होगी नहीं होगी, तो सरफेस, तो मैं इस लेयर को ये मान लेता हूं ओके, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये मान लिया, तो ये हमारी सरफेस है ओके। अब इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, मैंने कल बताया था प्रकाश मंडल, ये हमारा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर हम इसमें कह सकते हैं ठीक है, प्रकाश मंडल। अब इस प्रकाश मंडल पे यहां पे ये यहां पे कुछ थोड़ा 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 यहां पर कुछ पिलर टाइप के होते हैं, पिलर भी छोड़ो, इस प्रकाश मंडल को क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, ये जो फोटोस्फीयर है मतलब क्रोमोस्फीयर तो वायुमंडल है, वर्ण मंडल को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, एटमोस्फेयर क्या होता है हमारा, वर्ण
मंडल, ये हमारा क्या है एटमोस्फेयर। बस समझ लो फिर मैं थोड़ा लिखवा दूंगा, पहले समझ लो वर्णमंडल, एटमोस्फेयर या फिर क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर ओके, तो जो एटमोस्फेयर है दैट वी कॉल अ क्रोमोस्फेयर, और जो सरफेस है दैट इज कॉल व्हाट, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये दो चीजें होती है हमारी। अब ये जो सरफेस है इस सूर्य के, इस सरफेस को हम कहते हैं चावल के दाने के समान। ये हमारे, हम नहीं कहते, एस्ट्रोनॉमी जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन है उसके द्वारा क्या कहा गया है कि जो ये जो प्रकाश मंडल है सूर्य का, मतलब ये वाली लेयर जो है ये चावल के दाने के जैसी सदृश होती है, मतलब राइस के जैसे दिखाई देती है। कौन सी लेयर? प्रकाश मंडल, ये चावल के दाने की तरह है। इसीलिए ये क्वेश्चन ही आता, चावल दाने कौन सी लेयर दिखाई देती है, इसे हम ग्रेनुलेशन कहते हैं। ग्रेनुलेशन कहते हैं, इसे कहते हैं सन के सरफेस को, धरातल को हम ग्रेनुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ये चावल के दानों के थ्रू एक दिखाई देती है। अब चावल के दाने की तरह क्या, ये बेसिकली ये जो सरफेस है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ ग्रेनुलेशन नाम याद रखना है। हम सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? चावल के दाने, और चावल के दाने को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलेशन कहते हैं सरफेस को। ठीक है, ये जो ग्रेनुलेशन सरफेस है, जो सन का सरफेस है, वो क्या होता है, जो नीचे से फ्लेम्स निकल के, प्रकाश एनर्जी निकल के आती है जो नीचे से, उसका ये पिलर का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? पिलर का काम करते हैं। बिल्कुल टफ नहीं है। देखो सन सरफेस जो है वो क्या है, चावल के दानों जैसा दिखाई देता है। ठीक है, राइस के थोड़े समान होता है। ठीक है, इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम ग्रेनुलेशन कहते हैं। ग्रेनुलेशन एक प्रकार के पिलर होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेनु, पिलर होते हैं, खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं, जिनसे नीचे से जो एनर्जी रिलीज होती है सरफेस पर आती है, ये एज ए पिलर का काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेनुलेशन, बस ओके, ग्रेनुलेशन। अब बात आती है, ठीक है भैया, प्रकाश मंडल और उसका क्रोमोस्फेयर ऊपर। अब ये जो चावल के दाने हैं, चावल के दाने ग्रेनुलेशंस, चावल के दाने हैं, इनकी थिकनेस कितनी है, ये कितने मोटे हैं, धरातल जो स्पेस है, मैंने कल एक एवरेज 1000 बताया था मीटर, अगर आपको किलोमीटर याद हो, 1000 किलोमीटर बताया था, नहीं बताया था? सोनल पूरा नाम क्या तुम्हारा? सोनाली, भूल जाता सोनाली, कल इसकी थिकनेस यानी डायमीटर कितना बताया था मैंने? 1000 किलोमीटर के अरॉक बना पूरा, वो तो 600,000 था, 700,000 के अप्रोक्स था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो ये जो बताया गया था 600,000 के अप्रोक्स था, ये हमारा जो था वो कितना, 1000। तो ये जो चावल के दाने हैं यानी ग्रेनुलेशन सरफेस पे मौजूद हैं, ये 300 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक के डायमीटर व्यास वाले, थिकनेस मोटाई वाले होते हैं। जो सरफेस है हमारे सन का, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, वो कितने मोटे हैं? 300, 700 और 1000 किलोमीटर तक मोटे हैं। जो छोटा सा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, वो कितना मोटा होता है इनका? 300 किलोमीटर, कुछ ज्यादा हम नहीं पढ़ा, सिर्फ इतनी पढ़ना है, 300 किलोमीटर होता है इसका जो छोटा सा भाग होता है, ग्रेनुलेशंस का, जो प्रकाश मंडल पर स्थित, तभी तो उसकी मोटाई होगी, वरना मोटाई कैसे होगी। क्लियर हुआ? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका आ गया एटमॉस्फेयर। भाई सरफेस के ऊपर तो एटमॉस्फेयर होता है, यहां पर तुम हो, ये सरफेस है, धरातल है, इसके ऊपर तो हमारा वायुमंडल है या नहीं है? तो यहां पर आ गया क्रोमोस्फेयर। क्या आ गया? क्रोमोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फीयर शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो क्रोमोस्फीयर है,
वो धरातल से कई सौ मील तक स्प्रेड है भाई, वो तो पहले ही फैला होगा। और इस क्रोमोस्फीयर स्पेयर का ऊपर का हिस्सा, मेरी बात ध्यान समझना, इस क्रोमोस्फीयर यानी उसके वायुमंडल मतलब हवा, उसका मंडल जो है एटमोस्फेयर उसका, सन का, उसके ऊपर का हिस्सा कोरोना कहलाता है। कल बताया था कोरोना कहलाता है। और ये जो कोरोना है ये कई मिलियंस किलोमीटर तक फैला होता है, यानी ये आउटर लेयर ऑफ क्रोमोस्फीयर, यानी क्रोमोस्फीयर जो वायुमंडल मतलब जो सौर का सीमा है, मंडल है उसका, क्रोमोस्फीयर जो मंडल है, वर्णमंडल मैं कहूंगा, अगर क्रोमोस्फीयर मतलब वर्णमंडल जो है उसके ऊपर का यानी बाहरी लेयर, बाहरी लेयर उसकी कोरोना कहलाती है। और कोरोना कई मिलियंस किलोमीटर तक स्प्रेड रहती है, कई मिलियंस किलोमीटर तक स्प्रेड रहती है, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। अब बस खत्म, ज्यादा नहीं है, बस दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। देखो हमारी तीन लेयर कल फिट हो गई थी आपके दिमाग में, कन्वेक्टिव जोन है ना, रेडियोएक्टिव जोन और केंद्र कोर हो गया था। अब उसके ऊपर सरफेस की बात कर रहे हैं। जो सरफेस होता है दोस्तों, वो सरफेस क्या होता है, ऊपर हमारा फोटोस्फीयर कहलाता है। यहाँ पे चावल के दाने दिखाई देते हैं, चावल के दानों समान होता है उस चावल के, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन कहते हैं। जो ग्रेनुलेशन होता है वो 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक की मोटाई का होता है, ठीक है ना, जो कहलाता है। अब ये जो ग्रेनुलेशन जो फैला हुआ, जो क्षेत्र होता है फैला हुआ, समझ में आ रहा बेटा, जो फैला होता है उसके ऊपर होता है उसका वायुमंडल, भाई धरातल के ऊपर तो वायुमंडल होता है उसका सोलर, उसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो कई सौ मतलब 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता ही होता है। फिर जो ये एटमॉस्फेयर फैला होता है उसके ऊपर शुरू होती है कोरोना की सीमा, कोरोना मतलब उसके वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर के बाहर की सीमा, क्रोमोस्फीयर मतलब कोरोना मतलब क्रोमोस्फीयर की बाहर की सीमा। और ये इतनी बड़ी सीमा है, कोई 1000-2000 नहीं, क्योंकि खुद ही जब मैंने बताया सन का जो व्यास है 13.8 मिलियन किलोमीटर है, आया ना, लाख किलोमीटर है, सोचो 13,84,000 किलोमीटर तो व्यास है उसका, यानी पृथ्वी का जो व्यास है 13,000 किलोमीटर, उससे 13,000 किलोमीटर डायमीटर किसका है, किसका है, अर्थ का, उससे मतलब 109 गुना ज्यादा तो सन का है। तो ये कोरोना है, ये कोरोना मिलियंस किलोमीटर तक स्प्रेड फैला हुआ, कोई डाउट तो नहीं है अभी, कोरोना आउटर लेयर ऑफ क्रोमोस्फीयर, क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि अब एक और एक अब लॉजिक क्या होता है कि जब वो बर्निंग होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, सल्लेन की प्रक्रिया होती है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, भाई सूर्य में क्या भट्टी है, सूर्य एक प्रकार की तारा भट्टी होता है, जस्ट लाइक ए भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे बिहेव करता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, ये मालूम है या नहीं मालूम है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये सरफेस है, हमारे जो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, वो ऊपर जाते 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 हल्के होते जाते, कम होते चले जाते, मेरी बात समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो ऊपर जाते 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 हल्के और कम होते चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो आयंस होते हैं वो भी ऊपर जाके जाते जाते क्या हो जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पवनों में, क्या बन जाते हैं, पवनों में बन जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन ऊपर जाके क्या कमजोर हो जाते, वीक हो जाते हैं, और वो किसमें बन जाते हैं, पवन विंड्स हवाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। और ये मतलब देखो, हाइड्रोजन आयंस ऊपर जाके कमजोर हो जाते हैं, वो सोलर फ्लेम्स बन जाते हैं, सोलर विंड बन जाती हैं और सोलर फ्लेम्स बन जाती हैं। अब देखो सूर्य का क्या करते हैं, सूर्य क्या होता है कि सूर्य की इस सरफेस से समय दर समय एक सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इस सरफेस से सूर्य से प्रति सेकंड 500 से
हजार किलोमीटर ऊंची एकदम बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम पर सेकंड ऊर्जा रिलीज होती है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसी से सोलर स्टोन बनते हैं। देखो ये हाइड्रोजन ऊपर जा ही रही है, जो पवने बन गई, हाइड्रोजन हल्के हुए, आयंस हल्के हुए, वो विंड बन गई। दूसरा, इसी के सरफेस से हर सेकंड फ्लेम्स ऊपर धक्का देके बाहर निकलती हैं, जैसे स्टार का बताते हैं ना, बाहरी प्रेशर होता है, अंदर ही प्रेशर मारते हैं तो बाहर निकलती हैं। तो प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में जो सूर्य है उससे 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक कुछ पदार्थ मटेरियल बाहर फेंका जाता है। कितने किलोमीटर फेंका जाता है? 500 से 1000 किलोमीटर जो मटेरियल है वो क्या होता है? बाहर फेंका जाता है, ठीक है ना, ये पदार्थ फेंका। इसी से इसे तूफान बन जाते हैं, अभी क्या होते हैं हमारे तूफान का स्टॉर्म्स बन जाते हैं। इसी सरफेस समझ से समझो, बहुत इजी चीज है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डिफिकल्ट लगे और हम इजीली सोचेंगे बहुत इजीली। अब देखो, अब ये पूरा जो स्पेस है, सरफेस है जो हमारे सन का, संवनीय मेखला कन्वेक्टिव जोन जो है, यहां पर क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर, इसे बोला ना ग्रेनुलेशंस बोला हमने, कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, टेम्परेचर ओवरऑल के अनुसार कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना कम होता है? 2000, पूरे का तो एकदम एक जैसा नहीं हो सकता, कहीं कहीं पर 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और इसी को हम, जहां पे कम होता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रो, एम्ब्रो, अम्ब्रा मैं लिख देता हूं, अम्ब्रा। और उसके आसपास ये ज्यादा टेम्परेचर कम वाला एरिया है, यहां पर ब्लैक स्पॉट तो इसी के कारण दिखाई देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, सूर्य की अम्ब्रा घटना को समझाओ या सन की पैनम्ब्रा घटना को समझाओ। तो अम्ब्रा घटना वो होती है जहां पे काले धब्बे दिखाई देते हैं सन पे, और सन पे काले स्पॉट कब दिखाई देंगे? जब वहां का टेम्परेचर कम होगा अपने सराउंडेड स्पेस के। भाई मैं आग लगा दूं, ठंडा तो नहीं होता, गर्म ही होता है, बता रहा हूं, और कंपैरिजन करें, अगर मैं यहां पूरे आग लगा दूं ऊपर देखूं, जहां पे आग बुझी होगी या कम जल रही होगी, वहां तो कम जल रही, बुझ तो सकती नहीं है, कम जल रही होगी तो मुझे अलग सा काला सा दिखाई देगा वो एरिया, दिखाई देगा नहीं देगा, तो बहुत छोटी चीज बता रहा हूं। जो आग लगा देंगे कहीं, वो जो जहां पे टेम्परेचर पूरी आग जहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा और जो क्षेत्र वहां पे टेम्परेचर कम होगा यहाँ पे, वो मुझे कैसा दिखाई देगा? ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे? अम्ब्रा, AMBRA, अम्ब्रा। क्लियर हुआ? और उसके थोड़ा सा दूरी पर वहां पे टेम्परेचर उससे ज्यादा है लेकिन पूरे सन के सरफेस से कम है, लेकिन अम्ब्रा से ज्यादा है, अम्ब्रा से ज्यादा है लेकिन पूरे सन सरफेस से कम है, उसे हम पैनम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैनम्ब्रा, पैनम्ब्रा कहते हैं, पैनम्ब्रा, ठीक है। तो दो शब्द निकल के आ गए, एक तो अम्ब्रा और एक क्या आया? पैनम्ब्रा। अम्ब्रा कौन सा है? जो कम है, काला स्पॉट है, वो अम्ब्रा कहलाएगा, और जो आसपास का और से उससे थोड़ा ज्यादा है ना, लेकिन बाकी से कम है, वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा पैनम्ब्रा कहलाएगा। आपको डाउट तो नहीं आएगा कि शब्द आते हैं अम्ब्रा क्या है, पैनम्ब्रा क्या है? तो भैया घटना कहां पर है? सोलर पे हो रही है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हमारी अम्ब्रा और पैनम्ब्रा की घटना भी हमारे सामने आती है, ठीक है। अब क्या होते हैं ये सौर कलंक कहलाते हैं, सन स्पॉट भी कहलाते हैं। जब टेम्परेचर कम, कितना टेम्परेचर कम होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस, जहां का तापमान, सोचो जरा सा फर्क पड़ा, जहां पे 6000 डिग्री तापमान है, सरफेस पे कितना तापमान बताया था मैंने, और सेंटर में कितना बताया था? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस कहां का था? केंद्र का था, और सरफेस का था हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 में से 2000 डिग्री सेल्सियस अगर कम होता है तो फर्क तो दिखाई देगा ही देगा यार, 100-200 कम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस अगर कम होता है तो डैम श्योर फर्क विजिबल हो जाएगा, स्पॉट दिखाई देगा, वही स्पॉट हमें सौर कलंक के रूप में दिखाई देते हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर जब आयंस जाते हैं, जो वीक हो जाते हैं, वही स्टोन फ्लेम्स कहलाती हैं, सौर सोलर फ्लेम्स, सौर मतलब ज्वालाएं कहलाती हैं, और हवाएं भी उन्हीं से बनती हैं, समझना, तो स्टोन की आवृत्ति आ जाती है। अब बात आती है ये जो सोलर कलंक होते हैं, सौर कलंक होते हैं, ये कितने वर्षों में आते हैं? दिखाई देते हैं सौर ज्वालाएं का स्टोन कलंक। हाँ बेटा,
नहीं, एक चीज बताओ, क्वेश्चन आता है 11.11, 11.5, 10.5, 11, 11.1, 11.2, 11.3, एक्यूरेसी लेके आओ। 11 वर्षों में नहीं आते, 11.1 वर्ष में आते। कितने आते हैं? जो 16 कलंक दिखाई देते हैं ना स्टोम उतने हैं, वो कितने में आते हैं? 11.1 में आते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। इसमें और क्वेश्चन निकल गया तो आता है, सौर कलंक की उत्पत्ति कब होती है ज्वाला, तो 11.1 ईयर में होती है। कितने ईयर में होती है? सन स्पॉट जो होते 11.1 ईयर में होती। चलो ठीक है, अब ये हो गया 11.1 ईयर्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं घुसता हूँ नीचे, पर लैपटॉप नहीं है, दिखाई दे रहा कि उसमें कितना दिख रहा है, मुझे लैपटॉप ला के दे दो, नहीं दिख रहा। अब देखो, ये एक अर्थ है, जब सूर्य पे कुछ ऐसी घटना घटित होती है, मतलब फ्लेम्स आती हैं और स्पॉट दिखाई देते हैं, तो हमारा जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, वो पांच, ये क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन बता रहा हूं, 5 से 40 डिग्री अक्षांश पर फर्क पड़ता है। हमारा अक्षांश प्रभावित होता है 5 से 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 5 से यहां पर भी 40 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर। जब सूर्य पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो हमारी पृथ्वी के अक्षांश पर जो प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, दिखाई देता है, सबसे ज्यादा दिखाई विजिबिलिटी आती है और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो होता है कितना डिग्री नॉर्दर्न में? 5 to 540 और नीचे भी 5 से 40 जो अक्षांश है, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है? जो लैटिट्यूड होते हैं वो हमारे इफेक्टेड होते हैं। किसके इफेक्टेड होते हैं 5 से 40? हमारे अर्थ के अक्षांश, वहां पे अक्षांश देशांतर की बात नहीं करते सूरज पे, तो अक्षांश की बात करी आ रही, तो 5 से 40। क्लियर हुआ? अब 11.1, गुड मॉर्निंग बेटा, 11.1 वर्षों में इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये सूर्य है, देखो जैसे ये आपकी अर्थ है, दिखाई दे रहा ना, हाँ ये आपकी अर्थ है, ठीक है भाई। सूरज कहां से उगता है? कहां से उगता है? सोनाली ईट से उगता है भाई, शाबाश। तो ईट से कब उगेगा? जब पृथ्वी रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट। भाई पृथ्वी रोटेट कैसे करती है? पश्चिम से पूरब की तरफ। भाई ये सूरज एरा, जब ऐसे ईस्ट से, ये यहां से उगेगा कैसे उगेगा? जब ये ऐसे घूम रही होगी तभी तो उगेगा, ये इधर गया ऐसा तो उग गया सूरज, आया ना वेस्ट टू ईस्ट। तो जो पृथ्वी है, ऐसे ही हमारा जो सन है वो भी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कर रहा है। क्या चक्कर कैसे लगा रहा है? पश्चिम से पूरब। सन का जो हमारा रोटेशन है, घूर्णन जिसे हिंदी में कहते हैं रोटेशन, वो पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में है, ऐसे 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 चक्कर लगा रहा है। सूरज अपना पूरा घूर्णन, मतलब रोटेशन, पृथ्वी कितने में कर लेगी? 24 घंटे। भाई दिनों रात 24 आवर में कंप्लीट हो जाता है, नहीं हो जाता? 23 घंटे 56 मिनट हम लगाते हैं, पूरे में हो जाता है, नहीं हो जाता पूरा? ऐसे ही जो सूर्य है वो अपनी धुरी पे, एक्सिस पे, इस तरह से पूरा चक्कर, मतलब पूरा चक्कर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से चला और 0 डिग्री पर पहुंचना। जब भी कोई बात करे तो आप बोलोगे कि पूर्ण चक्कर का मतलब होता है पृथ्वी 0 एक्सिस से शुरू होती है, 0 डिग्री से शुरू होती है और दोबारा से 0 डिग्री पर ही पहुंच जाती है। 0 डिग्री एरा 1 2, ये होके 0 डिग्री पे पहुंचना, ये उसका पूरा घूर्णन कहला दिया। हमारे वैज्ञानिक उसी को देखते हैं 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे हो गया। तो ऐसे ही सूर्य है। अब सूर्य दोबारा से 0 डिग्री पर यानी पूरा घूर्णन अगर करके आता है तो उसे लग जाते हैं 26 दिन, यानी 1 महीने से कम समय। 26 दिन मतलब पृथ्वी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करते हैं। तो सूर्य को एक जगह से घूम कर आने में, यानी अपने ही पूरा घूम के आने में, इतना बड़ा है उसकी जो गति है जो भी है, दोबारा से पूरा चक्कर लगा के आने में, जैसे ये है गई घूम के यहाँ से दोबारा से आने में कितना समय लग जाता है? 26 दिन, यानी 0 डिग्री अक्षांश को छूने में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके, अब देखो, जब ये सौर ज्वालाएं उठती हैं, मैंने ज्वाला बताई आपको कैसे उठती हैं, पर सेकंड 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक पदार्थ को फेंका जाता है, उसका स्तंभ का काम करते रहे ग्रेनुलेशंस,
जो नीचे से आ रही है वो ऊपर फेंका जा रही, धक्का देके फेंकी जा रही, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक और आता है कि ये जो सौर ज्वालाएं हैं, जो स्टोम्स तूफान उठते हैं सन पे, सोना तो का नेट पे आ रहा है, ये हमारे आयनोस्फीयर तक पहुंचते हैं, आयन मंडल तक। आयन मंडल के ऊपर हमारे क्या है, वहां पे हमारे वो है सैटेलाइट्स, संचार व्यवस्था, तो इफेक्टेड हो जाती है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम, हम भी बहुत छोटे से ना, इतने से थे, इतने तो नहीं मतलब बड़े थे, हमें मालूम थी जब सौर कलंक मतलब जो ज्वालाएं उठेंगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे डैमेज कर देती है जो सैटेलाइट है, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं, क्वेश्चन में दिया और क्या क्या अर्थ पे प्रभावित होता है जब ऐसी सौर ज्वालाएं उठती है। ऊपर जाके हाइड्रोजन किसमें बनता है, आयंस वीक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वीक हो रहा है, वो पवनों में कन्वर्ट हो रहे हैं, कमनर ऊपर आ रही है, बस इतना ही लिखना है तो नंबर मिल जाएंगे, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका के ऊपर जेट स्ट्रीम होती है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड जेट स्ट्रीम को करती है। जो ये सोलर फ्लेम्स होती है, ज्वालाएं होती है, ये उत्तरी अमेरिका के ऊपर, जेट स्ट्रीम तो सब जगह है, तिब्बत के पठार बह रही है, अब जब इंडियन का पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाती है, फैल जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है पूरा। तो जो उत्तरी अमेरिका है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पढ़ाया ना मैंने अभी उत्तर, ये तो इनके ऊपर ये होती है 10-12,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक बहुत तेजी से हवाएं बहती हैं, ठीक है ना। ये मालूम है जेट स्ट्रीम सुनी है हाँ या ना, तुमने सुनी है, क्या जानते हो जेट स्ट्रीम के बारे में, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, तुमने मुंडी हिलाई फिर मैंने पूछा, नहीं हिलाई थी, ओ मेरा बच्चा तुमने हिलाई है अरे सुनना मतलब कहते हैं कि तो ओके हाँ कुछ ये फ्रेंडली होती हैं या फ्रेंडली नहीं होती, ओके फाइन, ये हमारी दोस्त होती है, जेट स्ट्रीम हमारी दोस्त होती है, नहीं नहीं 12-15,000 किलोमीटर की बात ही नहीं, उनके बादल हमारे काम के नहीं होते, क्लाउड का डिवीजन पढ़ेंगे तो वो हमारे पछावी बादल होते हैं, बहुत सारे बादल होते हैं, मेघा भी होते, काले भी होते, रुस्ते होते, उनका मतलब नहीं है, ये हमारी दोस्त होती है, ये हमारी फ्रेंड होती है। फ्रेंड कैसे होती हैं, ये पॉल्यूशन बचाती हैं, ये आपके पॉकेट पे खर्चा कम कर देती है, क्यों कर देती हैं, ये जो पछुआ पवने बहती हैं, एक मैंने ब्लॉग पढ़ा था, मैं एक लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंग्लैंड इंग्लैंड न्यूयॉर्क यहाँ पर अमेरिका में, अमेरिका से चला एक बंदा ब्रिटेन पहुंचा यूरोप में, ब्रिटेन ये रहा यूरोप, भारत से एशिया से लगा हुआ, यहाँ पहुंचा, यहाँ से जब यहाँ पे गया, सुन ना इसके अलग है, सन से अलग नहीं, बताना जरूरी है क्योंकि जेट स्ट्रीम इफेक्टेड हो रही है, ऊपर एक ऐसा सर, पूरी पृथ्वी एक साथ नहीं चलती, कुछ हिस्सा होता है, कुछ किलोमीटर का हिस्सा होता है जिसमें जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, ठीक है। यहां से जब चला तो जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं सबकी सब नाइट में होती हैं, डे में नहीं होती, ठीक है ना। तो क्यों होती हैं उसका ही कारण बताऊं, तो यहाँ से चला, इसे यहाँ आना था, तो जब गया तो यहाँ पे 6 घंटे की यात्रा होती है न्यूयॉर्क टू, अगर फ्लाइट नॉर्मल फ्लाइट बता रहा हूँ मैं, 6 घंटे की फ्लाइट रुक के आती है, 6 घंटे लगा, तो वो पहुंच गया 4 घंटे में, और उसका बिल काफी कम था, ब्लॉक लिखा था उसने, जब वो लौट के आया उसे समय ज्यादा लगा, उसका खर्चा भी ज्यादा लगा। कारण था कि हमारे जो जेट में 4 इंजन जो भी हमारे जेट होते हैं उसमें जब वो इस दिशा में आ जाते हैं तो उनके 2 इंजन बंद कर दिए, बंद इंजन बंद कर दिए जाते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और वो ये हवाएं उनको और